अंबेडकर नगर में सपा जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, मारपीट समेत जान से मारने की धमकी देने का आरोप। प्रयागराज में माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा पर पुलिस का शिकंजा, जैनब के बैंक खातों की जांच पड़ताल करेगी पुलिस। हरदोई में सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन खत्म, प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया टेंट, कब्जे में लिया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ का हुआ आयोजन, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। रायबरेली जिला जेल पहुंचे डीजी जेल एसएन साबत, डीजी जेल ने जिला कारागार का किया निरीक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में, मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव पर सपा नेता अमन गौतम ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। अमन गौतम ने जाति सूचक और मारपीट समेत जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। सपा नेता ने आरोप लगाया कि वैवाहिक कार्यक्रम से वापस आते वक्त जिला अध्यक्ष ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। मामले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव की आने वाले दिनों में लगता है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं नूरिया, आप देख रहे हैं आज की खबर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सपा के जिला अध्यक्ष अंबेडकर नगर जंग बहादुर यादव जी। इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि एक अमन गौतम ने आरोप लगाया कि मारने पीटने का आरोप है कि इनके ऊपर हरजन एससी एसटी का मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला? अब हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया जी, लेकिन कोई ऐसी घटना है नहीं जी। और जब चीजें जांच में जाएंगी, विवेचना होगी जी, तो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप अलग हो जाएगा। अमन गौतम का आरोप है कि उसको आप एक वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए थे, उसको अपने गाड़ी में बैठा। प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में शामिल माफिया अशरफ के फरार बेगम जैनब फातिमा पर पुलिस अब शिकंजा कसने की तैयारी में है। पुलिस की जिराफ टीम अब जैनब फातिमा के बैंक खातों की जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाएगी कि जैनब के नाम से अलग अलग बैंकों में कुल कितने बैंक खाते हैं। बता दें कि पुलिस को आशंका है कि जैनब ने अपने नाम के अलावा मिले जुले नामों से भी बैंक में खाते खुलवाए हैं। बैंक खातों में बड़े ट्रांजेक्शन पाए जाने के बाद उसे सीज करने की भी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस का मानना है कि बैंक खाता सीज से आर्थिक रूप से जैनब फातिमा की कमर टूट जाएगी। बता दें कि अशरफ की जेल जाने के बाद उसके अवैध साम्राज्य को जैनब फातिमा ही संभाल रही थी। हरदोई में बीते 8 दिनों से चल रहा सफाई कर्मियों का धरना अब खत्म हो गया है। बीती रात प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया गया टेंट कब्जे में ले लिया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि डीएम से बातचीत के बाद धरना खत्म हुआ है, जबकि सफाई कर्मी नेता ने कहा कि धरना जबरिया खत्म कराया गया। बता दें कि यूपी पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ और भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में सफाई कर्मियों के उत्पीड़न के आरोप में 8 दिन से धरना जारी था। प्रशासन ने गलत तरीके से हम लोगों के धरना प्रदर्शन स्थल से टेंट सारा सामान उठवा लिया है, जो हम लोगों के साथ में गलत किया। हम लोगों की आवाज को, सफाई कर्मचारियों को आवाज को दबाया जा रहा है और नाजायज तरीके से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि फर्जी जिला पंचायत राज अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह जिनके द्वारा जो कृत्य की गई है उनके सारे साक्ष्य प्रशासन को दिए गए, परंतु उनकी कोई यहाँ पे जो सफाई कर्मी संगठन के अध्यक्ष और पदाधिकारी थे, इन लोगों ने धरना दिया था। इनकी कुछ दीपियारों से शिकायतें थी कि उनको विधिवत तरीके से वेतन काट लिया गया, इस तरीके की अन्य शिकायतें थी जो मूलतः जो उनके सेवा संबंधी शिकायतें थी। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा संगठन के पदाधिकारियों और डीपीआरओ के मध्य वार्ता की गई और समस्या का जो जायज समाधान है उसका आश्वासन दिया गया। उसके बाद इन लोगों ने स्वयं ही ये बोला था कि हम धरना समाप्त कर देंगे। तो धरना समाप्त करने के बाद अब लोग यहाँ मौके पर कोई मौजूद नहीं, लेकिन ये टेंट इत्यादि यहाँ पे कब्जा किए हुए, ये सरकारी संपत्ति है, तो ये इस तरीके की अवैध अतिक्रमण करना नाजायज है, इसलिए जो ये टेंट इत्यादि। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ 2023 का आयोजन किया गया। महाकुंभ का शुभारंभ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। जय परशुराम के जयकारे से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सभी दलों के ब्राह्मण नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पूरे देश से कई बड़े संत कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य समेत राजनीतिक क्षेत्र के तमाम बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर चर्चा होगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी पर भी चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा राज के तत्वावधान में ये ब्राह्मण महाकुंभ का मूल उद्देश्य है कि पूरे देश में सनातन और ब्राह्मण पर लगातार हो रहे हमले, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार का मूल कारण क्या है और इसका निवारण क्या है।
इस विषय को लेकर के देश के सभी तमाम सांसद पीठाधीश पर सभी दलों के ब्राह्मण नेता मंत्री है, किसान मजदूर नौजवान सारे लोगों को आज इकट्ठा किया गया है। और पुलिस महानिदेशक कारागार एसएन साबत आज रायबरेली जिला जेल पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने जेल का निरीक्षण किया। वहीं इससे पहले जेल परिसर के बाहर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। मौके पर जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जेल में निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों से मुलाकात भी की और जेल के अंदर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके बाद साबत ने कहा कि बंदियों के लिए जेल में भोजन, रहना खाना और कई चीजों को लेकर जो तैयारी है वो देखी गई। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक जेल को सुधार गृह के रूप में बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जनपद रायबरेली का जिला कारागार निरीक्षण के लिए हम आज यहाँ पे आए थे। निरीक्षण के दौरान साथ में जिलाधिकारी रायबरेली, पुलिस अधीक्षक रायबरेली, हमारे यहाँ के सुपरिंटेंडेंट, जेलर साहब एवं अन्य यहाँ के अधिकारीगण उपस्थित थे। मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जो रायबरेली जिला कारागार है वो आज इसकी वर्किंग कैसी है, उसकी स्थिति क्या है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कैसा कार्य कर रहा है, यहाँ बंदियों का कौशल विकास के लिए क्या कार्यक्रम किया जा रहा है, बंदियों का जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं, भोजन, रहना, पानी, बिजली, ये सब सामान्य व्यवस्थाएं कैसा है, सफाई का स्तर किस प्रकार है, उनका देखरेख सही हो रहा है या नहीं, हॉस्पिटल में हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद है या नहीं, और विभिन्न जो मरीज है उनकी ट्रीटमेंट सही ढंग से हो रहा है नहीं, ये सब देखना हमारा मुख्य उद्देश्य। जनपद रायबरेली का जिला कारागार निरीक्षण के लिए हम आज यहाँ पे आए थे। निरीक्षण के दौरान साथ में जिलाधिकारी रायबरेली, पुलिस अधीक्षक रायबरेली, हमारे यहाँ के सुपरिंटेंडेंट, जेलर साहब एवं अन्य यहाँ के अधिकारीगण उपस्थित थे। मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जो रायबरेली जिला कारागार है वो आज इसकी वर्किंग कैसी है, उसकी स्थिति क्या है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कैसा कार्य कर रहा है, यहाँ बंदियों का कौशल विकास के लिए क्या कार्यक्रम किया जा रहा है, बंदियों का जो सामान्य व्यवस्थाएँ हैं, भोजन, रहना, पानी, बिजली, ये सब सामान्य व्यवस्थाएं कैसा है, सफाई का स्तर किस प्रकार है, उनका देखरेख सही हो रहा है या नहीं, हॉस्पिटल में हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद है या नहीं। और अम्बेडकर नगर में सदरपुर राजकीय धान क्रय केंद्र और नवीन सब्जी मंडी समिति सिझौली अकबरपुर केंद्र पर धान खरीदी की गई। बता दें कि योगी सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा खरीद केंद्र बनाया गया, लेकिन यहां किसानों के धान को खरीदने को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। धान की उपज को किसान अपनी जरूरत के हिसाब से बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष किसान नेता वासुदेव वर्मा से खास बातचीत की। कहीं नहीं हो रही है, हमेशा ही दावा करते नहीं हो नहीं पाती। कभी देखिए नियत, सरकार की नियत अगर हो किसी भी काम में, किसी की अगर नियत उसकी अच्छी है तो उसका परिणाम अच्छा होगा। हमारी नियत नहीं, हमको केवल दिखावा करना है, है? तो दिखावे में और नियत में अंतर है। ठीक, तो काम तो हो ही रहा, सरकार अपना काम कर रही है, हमको समझा। बिजनौर में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर युवक की हत्या की और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। सूचना प्राप्त हुई थी, दो लड़कों ने आपस में झगड़ा हुआ, पीट हुई है, उसमें दो लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति को यहाँ लाया गया जिसका नाम आंसू अलावत है, उसके यहाँ अस्पताल में मृत्यु हो गई है। परिजनों से पूछताछ की गई, जो साथ में लड़का था उससे पूछताछ की गई है, तो कुछ लड़कों के नाम बताए गए हैं, तहरीर लेके पंजीकृत किया जाए। लखीमपुर खीरी चिल्ड्रन एकेडमी मीरपुर में शारीरिक शिक्षा की परीक्षा के दौरान इंटर के छात्र की मौत के मामले में परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं मृतक छात्र के पिता ने कहा कि पहली बार की दौड़ के दौरान ही उसकी हालत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद भी उसकी दौड़ लगवाई गई। छात्र के पिता का आरोप है कि कई घंटों के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो एक निजी अस्पताल में भर्ती कराते हुए परिजनों ने जानकारी दी गई। मामले में पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और परिवार को हर मदद कराने का आश्वासन दिया।
रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि लखनऊ प्रयागराज मार्ग के पास एक कंपनी में युवक नौकरी करता है। कंपनी से घर जाते वक्त अज्ञात वाहन ने युवक को कार टक्कर मार दी, जिससे युवक घायल हो गया। वहीं युवक बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चला रहा था, जिसके चलते युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। मामले में कोतवाल ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवक है 30 साल का सज्जन लाल, जो कि दारू पी करके बाइक चला रहा है जी, और गाड़ी की स्लिप हो गई तो रोड पे ही गिर गया, जिससे इसके हाथ में गंभीर चोट आई, जिसके लिए उसको यहाँ से। रायबरेली में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि मृतक युवक दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। आज कहीं काम न होने की वजह से वो गांव के ही आम के बाग से लकड़ी तोड़ने गया था, तभी युवक आम के पेड़ के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिससे झुलसकर युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई। लड़का राम सोहन समापक मजदूरी करता था, लेकिन आज काम नहीं लगा। अच्छा। तो लकड़ी तोड़ने आया था। अच्छा। लकड़ी तोड़ रहा था तभी लाइट आ गई, पहले लाइट नहीं आ रही थी। अच्छा। जब चढ़ा था पेड़ पे उसके बाद लाइट आ गई। हाँ। तब लकड़ी जो है वही टच हो गई उसमें तार में। अच्छा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।